जैसे मोबाइल डिफरेंट काइंड मीन्स ये उसकी क्लास है, जाति है उसकी कि ये मोबाइल है। गर्ल और बॉय ये होती है टाइप ऑफ क्लास। मीन्स एक बॉय है और एक गर्ल है, वो अलग अलग जाति के हैं इसलिए टाइप ऑफ क्लास है ये। टीचर स्कूल फ्लैट एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप इज मटीरियल नाउन्स मीन्स पदार्थवाचक, किसी भी पदार्थ का नाम। मटीरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटीरियल लाइक वुड गोल्ड आयरन स्टोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स प्लेस और थिंग्स। कलेक्टिव मीन्स किसी भी चीज़ को जो कलेक्ट होती है, इकट्ठी होती है, किसी भी चीज़ का ग्रुप होता है, जैसे पीपल का ग्रुप हो गया, क्राउड का ग्रुप हो गया, और कोई टीम है, और आर्मी का ग्रुप हो गया, ठीक है। दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भाववाचक संज्ञा। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ थिंग दैट डजंट एग्जिस्ट एज अ मटीरियल ऑब्जेक्ट। An abstract noun we can see, touch, hear, smell or taste these nouns. Abstract nouns वो होते हैं जिसको हम सुनते तो हैं बट हम इन्हें देख नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते, इसकी स्मेल नहीं ले सकते, जैसे honesty, love, hate, time, laziness, zeal, etc. जैसे आपकी बुक में दी हुई है चाइल्डहुड को हम देख नहीं सकते, ठीक है, लेजीनेस को हम देख नहीं सकते, जूथ हो गया इसको देख नहीं सकते हम, ठीक है। मीन्स जे यो थिंग्स हैं ओनली एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स इसकी होंद होती है, हम सिर्फ इसे सोच सकते हैं कि ये ऐसी होंगी बट एग्जैक्टली हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है, और टच भी नहीं कर सकते। नाउ जैसे कि मैंने पहले किया था, हमारी डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गई फाइव। नाउ वी विल कम ऑन काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल और थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। दे कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। एग्जांपल आपके नीचे ये दी हुई है बट उससे पहले आप इसकी मीनिंग देख लो। काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इनको हम काउंट कर सकते हैं बट जैसे कि इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। एन एलिफेंट, ठीक है, एक एलिफेंट है ये, और एलिफेंट्स मीन्स वन देन मोर। अ पेन पेंस, अ पेन मीन्स वन पेन, पेंस मीन्स वन देन मोर। अ बुक एंड बुक्स। मीन्स वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हमने एलिफेंट्स को काउंट किया, पेंस को काउंट किया, बुक्स को काउंट किया। अनकाउंटेबल्स से पहले हम काउंटेबल्स की जो सिंगुलर सिंगुलर एंड इसकी प्लूरल फॉर्म आई है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। Most countable nouns form their plural by adding s, ठीक है, plural जो more than one होता है। Singular nouns that are just one is one in quantity, ठीक है, singular plural, जैसे कि book books, book one है, books की जो quantity है वो उनकी हो गई, means more than one हो गया वो, ऐसे लगा दी साथ में तो वो क्या हो गया, मोर देन वन, ठीक है, होम वन हो गया, होम्स मोर देन वन हो गया, ऐसे ही ये सभी के सभी आपके जो दिए हुए बुक पे ऐसे, ठीक है। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। मीन्स जिन नाउन्स की हम काउंट नहीं कर सकते। Uncountable nouns have only one form, not separated singular or plural form. They take the singular form. Example आपके पास दी हुई है. Means इनका कोई भी singular या plural नहीं होता, इनकी सिर्फ singular form ही होती है. जैसे sugar, rice,
सीनरी एट्सेट्रा। अनकाउंटेबल हैव नो प्लूरल फॉर्म, ये इनकी प्लूरल फॉर्म है जो वो नहीं होती, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होती है और वो सिंगुलर ही प्लूरल होता है। जैसे शुगर है तो वो प्लूरल है बट हम उसे काउंट नहीं कर सकते, राइस को भी आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सभी अनकाउंटेबल है और सिंगुलर होती हैं। थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट आर अनकाउंटेबल नाउंस, ठीक है बच्चे। एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउंस आर यूजली अनकाउंटेबल, जो नाउंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एंड मटीरियल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कौन से नाउन किया हमने, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस जैसे जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे ऑनेस्टी, लव, हेट, टाइम, ये हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउंस, ठीक है। मटीरियल नाउंस थे जैसे वुड हो गया, गोल्ड, आयरन, स्टोन, दीज नाउंस, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउंस।